भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन है। दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने भी भारतीय टीम के लिए शतक जड़ा है। रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट क्रिकेट का तीसरा शतक लगाया है। रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में पहली बार ओवरसीज में शतक लगाया है और इसी शतक के साथ रविंद्र जडेजा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसकी वजह से अब उनकी गिनती भारतीय दिग्गज कप्तान कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो रही है। क्या है वो रिकॉर्ड, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने इस साल दो शतक जड़े हैं। पहला 175 जो श्रीलंका के विरुद्ध लगाया गया था और दूसरा जो उन्होंने आज ही के दिन इंग्लैंड के विरुद्ध 104 रन लगाए हैं। आपको बता दें कि इन्हीं शतकों के बदौलत रविंद्र जडेजा ऐसे चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सातवें और उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक साल में दो शतक लगाए हैं। रविंद्र जडेजा से पहले ये कारनामा साल 1986 में पहली बार कपिल देव ने किया था। इसके अलावा दूसरे बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी बने थे जिन्होंने साल 2009 में सातवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में दो शतक लगाए थे। वहीं तीसरे बल्लेबाज की बात करें तो वो हरभजन सिंह हैं जिन्होंने साल 2010 में दो शतक लगाए थे सातवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए। अब 12 साल बाद यही कारनामा रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया है जिन्होंने साल 2022 में सातवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में दो शतक जड़े हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या ख्याल है और रविंद्र जडेजा की आपको पारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।